नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता आखिर क्यों महसूस की जा रही है। तो देखेंगे किस संदर्भ में भी चर्चा में बना हुआ है और प्रवासी श्रमिक या फिर कामगार किन लोगों को कहते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। क्या होती है सामाजिक सुरक्षा, आप हर समय देखते रहते हैं सामाजिक सुरक्षा की बात होती रहती है, तो आखिर है क्या उसके बारे में जानेंगे। सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों आखिर पड़ रही है उस पर भी बात करेंगे। सरकार के द्वारा क्या प्रयास रहे हैं और क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। आप भी अपने विचार दे सकते हैं, अगर कुछ कहना चाहें आप लोग इसके बारे में, इस आर्टिकल के, ठीक है, नीचे लिख सकते हैं। एक बात वैसे याद रखिए, अभी आपके जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं लगभग लगभग आपने देखा होगा कि उनमें से 70 से 75% आर्टिकल आपके कोरोना महामारी के संदर्भ में ही लिखे जा रहे हैं। तो ये भी आपका वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। याद रखिए, भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं इतनी बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं कि आप समझ सकते हैं। एक समय आप समझ सोचिए कि हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि विकास दर हमारी 7.45 हुआ करती थी, आपने सुना होगा। आज हर रेटिंग एजेंसी आपकी 1 से 1.5%, कोई बहुत से बहुत 2.5% तक हमारी विकास दर बता रही है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। और आजकल आप देख रहे हैं कि डेली प्रतिदिन के केसों में यानी कि जो डेली काउंटिंग होती है केसों की, उसमें हम लोग नंबर वन पर चल रहे हैं। डेली आप देख रहे हैं कि 50-60 हजार के डेली केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। अमेरिका और ब्राजील को भी हम लोग छोड़ के आगे निकल चुके हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव समाज की सुबेत वर्ग पर पड़ा यानी कि कमजोर वर्ग पर पड़ा। इस सुबेत वर्ग में दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की बड़ी संख्या है जो अपने गृह राज्यों में से रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर आए थे। दैनिक मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने वाला यह वर्ग अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। वस्तुतः लॉकडाउन के दौरान इन कामगारों की पीड़ा प्रत्येक टीवी चैनल के लिए आकर्षण का केंद्र थी। परंतु जैसे जैसे अब देश अनलॉक की दिशा में बढ़ रहा है तो कामगारों से संबंधित मुद्दे भी हवा हो गए। आप सभी ये लोग देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर आप लोग छाए रहते हैं, तो आपने देखा होगा यूट्यूब पर कई इस तरह के वीडियो भी आपको देखने को मिले जिसमें देखा है आपने किस तरह से बुरी तरह से भूख से मर रहे हैं लोग, किस तरह से प्रभावित हुए। आप समझ सकते हैं कि डेली जो कमाता था और डेली खर्च करता था उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। नॉर्मल सी आप लोग समझिए कि जो रिक्शा चलाता था, डेली खाता था, डेली करता था अपना खर्च, उनकी स्थिति क्या रही होगी। और सरकार ने कितनी मदद की है हकीकत आप लोग जानते हैं, और कितने लंगर और इस तरह की सरकार ने खाना खिलाया है वो भी आप लोग जानते हैं। हाँ, जहाँ कहाँ आपने देखा है कि समाज से भी संगठन थे या समाज से भी जो भी व्यक्ति थे उनके द्वारा काफी हद तक मदद भी की गई इनकी, सरकार के द्वारा कितनी मदद की गई ये आप भी जानते हैं। जग जाहिर है हमारे देश की स्थिति की। इन कामगारों का गांव से महानगरों की ओर पलायन का मुख्य कारण रोजगार ही था। यानी कि आप देखते हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, यहाँ से लोग किस लिए जाते हैं, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, काम करने के लिए यानी कि पैसा कमाने के लिए, रोजगार के चक्कर में ये अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे शहरों में जाते हैं। परंतु इस वैश्विक महामारी ने महानगरों में अपने पैर पसारे तब कामगारों के पास गाँव की ओर वापस लौटने, रिवर्स माइग्रेशन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। चूंकि ये कामगार अधिकतर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों से संबंधित हैं जहां पहले से ही औद्योगिकरण व रोजगार का अभाव देखा जाता है। अपने गृह राज्यों में भी रोजगार की व्यापक कमी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अभाव से इनके सामने जीवन निर्वाह की अत्यंत कठिन चुनौतियां। आप ही सोचिए कि अगर आपको रोजगार अपने ही क्षेत्र में मिल जाए, अपने ही राज्य में मिल जाए, तो आप खुशी से दूसरे राज्य में पलायन नहीं करते हैं। आप समझिए कि खुशी नहीं होती है किसी को अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करना। तो हमारी सरकारों की नाकामी कह लीजिए, फिर चाहे आपके जो भी पॉलिटिशियन हुए उनकी नाकामी, कि आज बिहार को आप देखिए कि नेतागिरी करके कहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी बिहार उसी तरह से पिछड़ा हुआ है, गरीबी की दुष्चक्र में फंसा हुआ है। फिर चाहे आप शिक्षा के मामले में देख लीजिए, फिर चाहे आप लोग लिंग अनुपात में देख लीजिए, गिरा ही हुआ है लगभग आपका, आप समझिए कि, और आप चाहे फिर महिलाओं की स्थिति या किसी भी तरह से आप देख सकते हैं बिहार हर तरह से पिछड़ा हुआ है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से यह जाहिर है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। यह प्रस्तावना भारतीय लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करने का वादा करती है। इतना ही नहीं, सतत विकास एजेंडा 2030 के तहत संबंधित विभिन्न लक्ष्यों में सामाजिक सुरक्षा की सार्वभौमिकता का सिद्धांत निहित है। याद रखिए, जो आपके सतत विकास एजेंडा है, इन्हें आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। 70 हैं, इन्हें हर पॉइंट को याद रख लीजिए, क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं या फिर आप देखते हैं प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन बन जाता है, तो आप उसे अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें प्रवासी श्रमिक या कामगार कौन होते हैं आखिर, एक प्रवासी श्रमिक वह व्यक्ति है जो असंगठित क्षेत्र में अपने देश के भीतर या इसके बाहर काम करने के लिए पलायन करता है। प्रवासी श्रमिक आमतौर पर उस देश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं रखते हैं जिसमें वे काम करते हैं। आप सोचिए कि आपके यहाँ से जो अमेरिका यानी कि या बाकी देशों में काम करते हैं उन्हें भी आप लोग प्रवासी ही बोलते हैं, यानी कि अपना घर परिवार छोड़कर दूसरी जगह एक मतलब काम के लिए जाना और वहां स्थायी आपका बसने का कोई इरादा भी नहीं होता है, समझ रहे हैं आप लोग, तो इन्हें ही प्रवासी श्रमिक कह देते हैं। विदित है कि प्रवासी श्रमिक दैनिक मजदूरी कर अपना जीवन निर्वाह, अपना जीवन का गुजारा बसारा करते हैं। यदि इन्हें दैनिक मजदूरी नहीं प्राप्त होती है तो इनके पास किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है। आखिर क्या है सामाजिक सुरक्षा जिसका बार बार चर्चा में आता है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है जो स्वयं तथा अपने आश्रितों को न्यूनतम आय उपलब्ध कराने का आश्वासन प्रदान करती है, किसी भी प्रकार की अनिश्चितता से व्यक्ति की रक्षा करती है। अमेरिकन विश्वकोश में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, सामाजिक सुरक्षा कुछ उन विशेष सरकारी योजनाओं की ओर संकेत करती है जिनका प्रारंभिक लक्ष्य सभी परिवारों को कम से कम जीवन निर्वाह की साधन और शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था करके दरिद्रता से मुक्ति दिलाना होता है। यानी कि सामाजिक सुरक्षा एक, सोचिए फिर चाहे आपका गरीब हो कोई, फिर चाहे अमीर हो, उसकी क्या जरूरतें रहती हैं? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। आप समझिए पूरा मतलब हमारे देश नहीं, विश्व में आप कहीं भी व्यक्ति का को ले लीजिए, उसे तीन अगर ये सुविधाएं मिल जाए तो वो किसी भी क्षेत्र में रहने के लिए तैयार हो जाता है। तो इन्हीं की बात की जाती है। आपने देखा होगा कि शिक्षा का हमारा अधिकार मिल तो चुका है हमें, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं खस्ता हालत है। स्वास्थ्य की देख लीजिए आप लोग किस तरह से खस्ता हालत है, इसमें नहीं। और अमेरिका और बाकी देशों में देखिए, अभी कोरोना महामारी के टाइम भी एक मतलब मिनिमम उन्हें सपोर्ट किया गया है, डायरेक्ट उनके बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके खातों में भेजा गया है पैसा, समझ रहे हैं कि मतलब। आप सोचिए कि इस बुरी तरह से प्रभावित हुई हमारे यहाँ, हमारी सरकार ने 20 लाख करोड़, कितना मोदी साहब ने 3 बार बोला था आपको पता हो, 20 लाख करोड़। तो याद रखिए इनसे आने वाले दिनों में फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में पक्का फायदा होगा इन योजनाओं से जो भी एक खर्च हो रहा है। लेकिन अभी आप सोचिए कि अभी हमें डायरेक्ट पैसे की जरूरत है आने वाले दिनों की, अब जिंदा ही नहीं रहे आगे देखने के लिए, तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए, क्या मतलब रहेगा। इसलिए अभी हमें डायरेक्ट पैसे की जरूरत थी, नगद पैसे की। लेकिन इस तरह से आपने देखा है कि सरकार के द्वारा कोई ज्यादा मदद नहीं की गई। सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है आखिर? भारत का विशाल असंगठित क्षेत्र, देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान करने वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों का कुल कार्यबल में हिस्सा 80% है। भारत का असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण आबादी से बना है, इसमें अधिकांशतः वे लोग होते हैं जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं, जैसे खेती में हो गया, बाकी ये आप देखते रहते हैं कि भट्टे वट्टे इस तरह के काम चलते रहते हैं ना परंपरागत। गांव में परंपरागत कार्य करने वालों को के अलावा भूमिहीन किसान, छोटे किसान भी इस श्रेणी में आते हैं। शहरों में लोग अधिकतर खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भंडारण, निर्माण उद्योग में काम करते हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो फसल की बुवाई और कटाई के समय गांव में चले जाते हैं और बाकी शहरों महानगरों में काम करने के लिए आजीविका तलाशते हैं। याद रखिए ये भी, आप समझिए कि गुजरात से जो अनपढ़ लोग जा रहे हैं, अब सोचिए गरीब लोग जा रहे हैं, तो वो मुंबई में क्या करेंगे, यही काम करेंगे, असंगठित क्षेत्र में ही काम करेंगे। फिर चाहे आपका विनिर्माण कहीं कोई उत्पादन हो रहा है उसमें फैक्ट्री में, या कहीं मकान सपान बन रहे हैं, इस तरह की योजनाएं हैं उन्हीं में काम करने लगते हैं। महंगी स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, महंगी होती स्वास्थ्य सेवाओं के कारण आम आदमी द्वारा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे यह वर्तमान समय में गरीबी को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारण माना जाता है।
इसके साथ ही वैश्विक महामारी COVID-19 ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति करने के लिए राज्य की नीति नेताओं का ध्यान आकर्षित किया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज न केवल स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूलभूत शर्त है, बल्कि यह अन्य लक्ष्यों जैसे गरीबी उन्मूलन या आपका सतत विकास एक लक्ष्य में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्य 4 है, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण SDG 5, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि SDG 8, बुनियादी ढांचा SDG 9, असमानता कम करना SDG 10, न्याय और शांति SDG 16 यानी कि 16 आदि की प्राप्ति के लिए भी आवश्यक है। हम लोगों ने भी आपके कवर किए हुए हैं सभी ये आपका सतत विकास लक्ष्य बहुत विस्तार से आपके, तो आप देख लीजिए जाके आपके स्पेशल वीडियो पूरा ISBCS में डला होगा। ठीक है, एक बात और यहाँ बता दें, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हमें मतलब 3-2 सुविधाएं पूरी तरह से फ्री कर देना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। जितना पैसा है मतलब आप लोगों को मुझे नहीं लगता है कि सरकार को किसी की मदद करने की जरूरत पड़ेगी अगर शिक्षा अच्छे से फ्री हो जाए और स्वास्थ्य फ्री हो जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि इसी के अभाव में हमारे यहाँ गरीबी छाई हुई है। आप सोचिए बेहतर शिक्षा ना मिलने के कारण वो पिछड़ते जाते हैं। स्वास्थ्य में आपने देखा होगा कि जिसके पास पैसा है वो VIP हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट करवा लेता है, लेकिन अब बाकी लोगों को आप देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों की क्या हालत है, इसे आप भी जानते हैं। लोग वहाँ इलाज करवाने से बेहतर अपने घर मर जाना पसंद करता है, आपने देखा होगा। इसे गरीबी का बढ़ता स्तर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP तथा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 से संबंधित आंकड़े जारी किए गए हैं। वर्ष 2018 तक भारत में लगभग आपका 37.7 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रसित थे। वैश्विक महामारी के प्रभाव की अगर बात की जाए तो निश्चित ही संख्या में तीव्र वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। विशेषज्ञों का मत है कि पिछले 10 वर्षों में जितने परिवार गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकले हैं उतने ही परिवार अब पुनः गरीबी के दायरे में आ जाएंगे। याद रखिए हमारे यहाँ गरीबी की परिभाषा भी एक समस्या बनी हुई है। आप सोचिए हमारे यहाँ उन लोगों को गरीब कहा जाता है जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, एक तरह से आप इतना कहिए। और आप सोचिए कि अमेरिका में उन लोगों को गरीब कहा जाता है जिनके पास कार नहीं है, जिनके पास घूमने के लिए कार नहीं है। आप सोचिए कि आप समझ सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है हमारे यहाँ की और अमेरिका की परिभाषा, गरीबी की परिभाषा में, समझ रहे हैं आप लोग। बेरोजगारी दर में वृद्धि, लॉकडाउन के कारण विभिन्न कारखानों व छोटे उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा जिससे व्यापक स्तर पर लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। बेरोजगारी दर में तीव्र वृद्धि हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार मई 2020 में बेरोजगारी की दर 27.1% तक पहुंच गई है। हालांकि CMIE की जून 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर में गिरावट होकर 8.5 के स्तर पर आ गई है, जो एक राहत की बात है। परंतु लॉकडाउन के बाद रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों को पिछली दर से कम वेतन दिया जा रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। कि आप सोचिए कि लॉकडाउन के चक्कर में कई नौकरियां कई लोगों की चली गई, अब जो नौकरियां दे भी रहे हैं जो संगठन हो या कोई भी हो, तो याद रखिए नौकरी लेने वाले कुछ ज्यादा है और नौकरी देने वाले कम है, तो जितनी भी वेतन दे रहे हैं उस पर भी कई लोग राजी हो जाते हैं और काम करने के लिए तैयार, तो कम वेतन भी दी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पर पर्याप्त व्यय, भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का एक व्यापक उद्देश्य है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को छोड़कर पर समग्र सार्वजनिक व्यय केवल अनुमानित है। बढ़ती जटिल आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, जटिल आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के बढ़ने से इन कामगारों का दैनिक जीवन कहीं ज्यादा व्यस्त और जीवन स्तर कहीं ज्यादा निम्न हो गया है। आय और व्यय के बीच असंगति ने इनकी आर्थिक स्थिति को इस लायक नहीं छोड़ा है कि ये बेहतर जीवन जी सकें, इसलिए सरकार समय समय पर अनेक योजनाएं चलाती तो है, लेकिन इसके सामने बहुत सी बाधाएं हैं जो उन योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के आड़े आती है। आप ये सोचिए कि अटल बिहारी जी और राजीव गांधी जी, आपने सुना होगा कहते थे कि हम 1 रुपये ऊपर से बेचते हैं तो 10 से 12 पैसा नीचे तक पहुंचता है, वही आजकल देखा जा रहा है। भले ही आपका डायरेक्ट ट्रांसफर मोदी सरकार ने काफी हद तक काम किया है, लेकिन अभी भी मैंने कल ही परसों आर्टिकल कहीं पढ़ रहा था
उसमें देखा गया है कि अभी फर्जी जो मनरेगा कार्ड योजना काफी अच्छी पॉपुलर रही और लॉकडाउन के समय भी काफी रोजगार दिया इसने, लेकिन कई आपने देखा है सरपंचों ने फर्जी क्या कर दिए, ये मनरेगा कार्ड बना दिए, समझ रहे हैं, मतलब लूटने के लिए, और लोगों को रोजगार ना देकर मतलब उन्हें ज्यादा पावर भी नहीं दी गई है। आप समझिए हर कोई इसी को 100 दिन का रोजगार मिलता है इसके तहत, लेकिन आप समझिए कि आपके गांव में कितने लोग जागरूक हैं कि इस तरह के रोजगार मिल सके, तो ऐसी भी प्रॉब्लम देखिए। और सरपंच और बाकी सेक्रेटरी आप देखते हैं कि इतने महान नहीं है कि वो आपके घर जाकर आपसे कहें कि ये लीजिए रोजगार, आप 100 दिन काम कर सकते हैं। ऐसा होता अगर तो हमारा देश अभी तक कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। अगर सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की बात करें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, वित्तीय वर्ष 2019-20 का अंतिम बजट जब पेश हुआ था तो सरकार ने 15,000 रुपये तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। वस्तुतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस योजना में मासिक आय की राशि को घटाकर इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। इसमें किसानों, गरीब व्यक्तियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और द्वितीयक क्षेत्र स्तरों पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की बाधाओं को समाप्त करना, साथ ही इस योजना के माध्यम से देश की 40% जनसंख्या को स्वास्थ्य कवर के दायरे में लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। फिर आपका कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, विधायी उपायों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के संबंध में सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 अधिनियमित किया है। यह अधिनियम राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को कुछ जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराता है। पर आपका आम आदमी बीमा योजना, सरकार ने मृत्यु एवं अपंगता की स्थिति में बीमा प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना प्रारंभ की है। पर आपका वेतन संहिता विधेयक 2019, यह विधेयक वेतन की परिभाषा को सरल बनाता है। यह सभी कार्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी एवं समय वेतन भुगतान का प्रावधान भी करता है। पर आपका असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए कई अन्य रोजगार सृजन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सरकार लागू कर रही है, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मनरेगा, हथकरघा बुनकर योजना, हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना, योजनाएं मछुआरों के लिए कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना, प्रशिक्षण और विस्तार, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ये सभी आपकी शामिल हैं सरकार की ओर से किए गए प्रयास हैं। आगे की राय इसमें क्या हो सकती है कि आज भी इस वर्ग की सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों में आजीविका असुरक्षा, बाल श्रम, मातृत्व यामिनी की मैटरनिटी सुरक्षा, छोटे बच्चों की देखरेख, आवास, पेयजल, सफाई, अवकाश से जुड़े लाभ और न्यूनतम मजदूरी जैसे मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए समग्र नीति बनानी चाहिए। सरकार द्वारा घोषित इन योजनाओं के क्रियान्वयन स्तर पर ध्यान दिए जाने की भी अत्यधिक आवश्यकता है। सरकार को विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र, घरेलू नौकरों, मंडियों में काम करने वाले श्रमिकों और रेहड़ी पटरी वालों पर ध्यान देना चाहिए। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नीति निर्माण में भागीदारी देनी चाहिए, राजस्व में उनकी हिस्सेदारी को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। आप सोचिए कि अभी हमारी जो युवाओं की या युवाओं में यानी कि आप देखेंगे 21 वर्ष से आपके 18-21 से 59 वर्ष तक यही काम करने की एज भी होती है, तो इसमें आप देखेंगे कि अभी सबसे ज्यादा हमारे भारत में यही आबादी है। अगर आप इन्हें संसाधन में बदल देते हैं तो हम लोग कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। आप सोचिए भारत कितनी तरक्की कर सकता है। आप एक व्यक्ति को देख लीजिए कि एक बस्ती में पैदा हो रहा है, ठीक है, आप उसे शिक्षा और स्वास्थ्य दीजिए, उसे पढ़ाइए लिखाइए, वो आगे कंप्यूटर इंजीनियर बनता है या कुछ और करता है, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तो अपने परिवार की स्थिति तो सुधारेगा। आप देखेंगे साथ में वो देश के योगदान
यानी कि देश के विकास में भी अपना योगदान देगा। तो मुझे लगता है कि हमें इन दो सुविधाओं को हमेशा के लिए फ्री कर देना चाहिए, समझ रहे हैं? क्योंकि अभी भी आप देखते हैं कि गरीब का एक सबसे बड़ा खर्च का है किस बात पर होता है, उसके स्वास्थ्य मामले में। परिवार के किसी मेंबर की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो उसने जितना भी साल भर में कमाया होता है उतना वो आप देखते हैं कि 2-4 दिन में खत्म हो जाता है। तो इसे सुधार करने की बात हो चाहिए। तो यही कारण कि आपके सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है, इसीलिए पड़ रही है। ठीक है।